जुमा मन ठिर की कदम एक के बाद एक ढोल की थाप पर गरबा की ताल मिलती रही। नरी भास्कर कार्यालय में गरबा वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जहां नए स्टेप्स सीखने का रोमांच और सीखी गए स्टेप्स को परफेक्ट तरीके से करने की ललक प्रतिभागियों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी दैनिक भास्कर की ओर से गरबा वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जहां गरबा सीखने आने वालों के लिए अहमदाबाद से रंग बिलान ग्रुप को बुलाया गया है। गरबा वर्कशॉप में तीन ताली, गड़ा डांस, गरबा हीच, घूमर, रास गरबा, जोड़ी रास, ढाकला, इसके साथ ही कई नए स्टेप सिखाए जा रहे हैं, जिसके संदर्भ में अधिक जानकारी साझा की है रंग मिलन ग्रुप के प्रशिक्षकों ने। मेरा नाम फैनल शिकारी है, हम अहमदाबाद से आते हैं। हम लोग यहाँ पे गरबा सिखाने के स्पेशल 20 या 22 दिन का यहाँ पे वर्कशॉप रहता है पूरा मिला के, जैसे कि अभी 15-16-17 दिन के आसपास हमारा पूरा वर्कशॉप चलता है यहाँ पे ट्रेनिंग का, उसके बाद फाइनल इवेंट रहता है वहाँ पे, और फाइनल इवेंट में यहाँ पे जो सिखाते वही वहाँ पे कराते, और नया नया जैसे कि मान लीजिए गड़ा डांस है, घूमर है, ढाकला है, उसके अलावा नए नए स्टेप्स वगैरह अभी गरबा के लिए भी ऐड किए इस बार। और इस बार हम अभी तक हम लास्ट ईयर तक हमारी बैच 9 लोगों की टीम आती थी अहमदाबाद से, तो इस बार हमारा 14 लोगों की टीम हुई, क्योंकि रस ज़्यादा बढ़ गया है इस बार हमारे यहाँ पे, और एडमिशन अभी सारे मतलब फुल होने लगे धीरे धीरे करके, तो जितने भी जल्दी आना है तो वो आ सकते हैं अभी भी ज्वाइन के लिए दैनिक भास्कर जी। मेरा नाम गौरंग शिकारी, मैं अहमदाबाद गुजरात यानी रंग मिलन संस्था से हूँ। हमारी संस्था 50-60 साल पुरानी है और हम यहाँ कई 20-25 सालों से लगातार आ रहे हैं और बच्चों को गरबा सिखा रहे हैं यार, और ये नए नए स्टेप भी इस साल हम लेके आए हैं, जैसे तीन ताली है, गरबे है, हीच है, घरा डांस है, घूमर है, ऐसे रास, जोड़ी रास सब सिखाया है हमने, और लाइव इवेंट हम KP कस्तूरचंद पार्क में करवाएंगे, और क्रेज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हम 9 लोग हर साल सिखाते थे, अभी 14 लोग बढ़ गए सिखाने के लिए, टीचर भी कम पड़ते हैं हमें, और बच्चों में भी क्रेज बहुत ज़्यादा है, वो बहुत भावुक हो गए यानी कि खुश होकर खेल रहे हैं और सीख भी रहे हैं। हाँ, वो अभी घूमर डांस हम फर्स्ट टाइम करवाएंगे यहाँ, और ईच और तीन ताली है, घड़ा डांस भी करवाएंगे, बाय बाय है और भला मोरी रामा यहाँ के गुजराती सॉन्ग पे गुजराती डांस सिखाएंगे, पूरा आध्यात्मिक डांस गरबा सॉन्ग सब है थे तो। हाँ, नवरात्रि आते ही पूरा शहर गरबा के रंग में रंग जाता है, साथ ही इंतजार रहता है गरबा खेलने का। इसी के मद्देनजर दैनिक भास्कर द्वारा हर साल भास्कर गरबा का आयोजन किया जाता है और गरबा वर्कशॉप का आयोजन भी होता है, जहां प्रशिक्षण हेतु एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नागपुर स्थित ग्रेट नाग रोड दैनिक भास्कर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होता है। दैनिक भास्कर गरबा की खास बात यह है कि इसका इंतजार लोग कई दिनों से करते हैं और इसका नतीजा ये है कि लगातार हर साल यह गरबा सीखने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इसी श्रृंखला में प्रशिक्षु द्वारा अपने अनुभव को साझा किया गया। नमस्कार, मैं लखन कुरिल, मैं काफ़ी वर्षों से दैनिक भास्कर इस गरबा ग्रुप में आ रहा हूँ, और हर साल हमें कुछ अलग अलग स्टेप यहाँ पे खेलने के लिए मिलती है, और हम जब यहाँ स्टेप खेलते हैं तो हमारे जो यहाँ दैनिक भास्कर ऑर्गेनाइजर जो समिति है वो भी हमें बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, साथ ही में जो हमको गुजरात से अहमदाबाद से जो ये टीम आती है सिखाने के लिए, इनका प्यार और उल्लास देखकर हम भी बड़े उमंग के साथ में यहाँ स्टेप खेलते हैं, और हर साल नई नई स्टेप को साथ में ये हमको उतरते हैं और नागपुर के लोगों को गुजराती स्टाइल में नागपुर में गरबा खिलाते हैं, ये बहुत उनके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। और काफ़ी हम मैं 12 साल हो चुके हैं मुझे कि मैं आज दैनिक भास्कर से जुड़ा हूँ, और हर साल नई नई स्टेप खेलने मिलती है, मैं दैनिक भास्कर का भी धन्यवाद करता हूँ। इस बार हमने जो देखा है कि पूरी जितनी भी हमको स्टेप है वो पूरी यूनिक है, और अभी तो मेन जो हमारे सर यहाँ खड़े हैं इनके पापा भी आने वाले हैं, फिर वो और भी कुछ यूनिक स्टेप और भी हमको सिखाएंगे, तो अभी तो ज़्यादा दिन हुए ही नहीं है, अभी मिस 7 दिन ही हुए अभी हमको खेलते हुए, और अभी 7-8 दिन और बचे तो और यूनिक चीज़ हमको खेलने मिलेंगे। गरबा वर्कशॉप में युवाओं की खास डिमांड पर नए स्टेप तैयार किए गए हैं ताकि गरबा के रंगत में चार चांद लग जाए।
युवा पीढ़ी हमेशा ही कुछ यूनिक चाहती है और इसी के साथ युवाओं से लेकर बड़ों के लिए गरबा में कुछ नए स्टेप्स भी शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर गरबा 2024 में शहर के कई नामांकित ब्रांड प्रायोजक के तौर पर कई सालों से जुड़े हैं, जिनमें एक नाम केसर लैंड का भी है। केसर लैंड के डायरेक्टर निशित गुप्ता ने प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि दैनिक भास्कर का गरबा शहर का सबसे अच्छा गरबा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें न केवल नाच बल्कि हर तरह की बातों का ध्यान रखा जाता है। सुविधाओं से लेकर सुरक्षा तक हर चीजों का ध्यान यहाँ पर रखा जाता है, जिसे प्रतिभागियों से लेकर दर्शक तक पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। हर दिन अलग अलग वेशभूषा आकर्षण में चार चांद दिखाती है। आने वाले वीआईपी सेलिब्रिटी अच्छे होते हैं और पास में सीमित बांटे जाते हैं, जिससे बेवजह की भीड़ नहीं बढ़ती है। इससे परिवार के साथ ही आने वाले लोग भी बिना किसी दिक्कत के गरबा का आनंद उठा सकते हैं। यही कारण है कि हर साल हम दैनिक भास्कर के गरबे को प्राथमिकता देते हैं। मेरा नाम निशित गुप्ता है, मैं केसर लैंड से हूँ और पिछले काफ़ी सालों से हम लोग भास्कर गरबा को स्पॉन्सर कर रहे हैं एंड द एक्सपीरियंस हैज़ बीन एक्सीलेंट। मतलब आप मानेंगे नहीं, हम लोग का नवरात्रि के टाइम पे इतनी डिमांड रहती है कि हमें पास दिला दो। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट गरबा विच हैपन्स इन द सिटी। जिस तरह से पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो ट्रेनिंग्स इनके होती है, इतना एक अच्छा इन्वायरमेंट रहता है 8-10 दिन, और अगर आप अंदर उसको कवर करने जाएंगे तो गरबे वाले दिन भी एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। तो दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट गरबाज इन द सिटी एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड विल कीप स्पॉन्सरिंग एज मच एज वी कैन। और वी वुड लाइक टू थैंक द दैनिक भास्कर टीम कि वो हमें हर साल ये अपॉर्चुनिटी देते हैं टू बी अ प्राउड स्पॉन्सर्स एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दिस एसोसिएशन। थैंक यू। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर के गरबा आयोजन के लिए केसर लैंड्स, आदित्य अनका, रोकड़ी ज्वेलर्स, आशीष एनेक्स, हल्दीराम, ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, केकलिंग्स, इन बिसिन न्यूज और रेडियो मिश्री का सहयोग है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।